अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलात वस्सलाम अला खातमिल अंबिया मुहम्मदन मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूरुल हुदा हबीबिना व हबीबि रब्बिल किबरिया व अला आलिही व असहाबी अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ सनाउल्लाह। आज मेरे साथ प्रोग्राम के लिए जो दो फाजिल शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, मैं इनका तारफ़ करवा देता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं हाजी मोहम्मद नसीर मुग़ल साहब। हाजी साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाजी साहब प्राइवेट हाई टूर ऑपरेटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं और इनकी जो एसोसिएशन होप के नाम से होती है उसके साबिक चेयरमैन हैं इस्लामाबाद के, और इस वक्त भी आप इस्लामाबाद की एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी हैं, और फिर पूरे पाकिस्तान में जो इनकी कमेटी है फाइनेंस की उसके आप चेयरमैन भी हैं। तो इनका वसी तजर्बा है हुजाज इकराम की खिदमत करने का, उनको लेके जाने का, उनके मसाइल को जानने का, हल करने का। आज हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दी, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह अब्दुलबाकी ख़ान साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब माशाल्लाह आलिम दीन हैं, इमाम ख़तीब भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मुअल्लिक भी हैं, आपका एक अपना मोतबर नाम व मकाम है अहले इल्म के यहाँ भी, ज़राए इब्लाग में भी। तो आपका भी इस हवाले से दोहरा तजर्बा है, एक तो यह कि लोगों को जो मालूमात हज के मसाइल के हवाले से होती हैं वो बताना, और फिर आपने काफ़ी अरसा माशाल्लाह सऊदी अरब में गुजारा, मदीना यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते भी रहे, तो वहाँ भी हुजाज इकराम की खिदमत करने का इन्हें मौका मिलता रहा, कुछ मसाइल वहाँ के जो अमली होते हैं वो भी इनके सामने रहे। तो आज आप हमने आपको दावत दी अपने प्रोग्राम में, आप तशरीफ लाए, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारी जो गुफ्तगू का मौजू है वो रखा है हमने सफ़र हज के मसाइल और उनका हल। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से वतन अज़ीज़ से हुजाज इकराम के काफ़िले बैतुल्लाह जाने शुरू हो चुके हैं, और बिला शुबा खुश नसीब हैं वो लोग के जो इस सफ़र पे निकल खड़े हुए हैं, जिसके लिए तैयार बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो भी खुश नसीब हैं कि जो अपने दिल में वहाँ जाने की तड़प और तमन्ना रखते हैं, और इसके लिए अल्लाह से दुआगो हैं। नाज़रीन, ये सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं है, वो खुश नसीब लोगों के हिस्से में आता है अल्लाह की तरफ से। तो इसलिए इस सफ़र के दौरान बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ मसाइल का सफ़र के अंदर पेश आना फितरी होता है, कुदरती होता है, और कुछ ये हैं कि वो कोई फ़र्द वाजी हो या आम सफ़र भी हो, हुजाज इकराम की ज़्यादा बात इसलिए करते हैं कि ये बड़ा मुबारक सफ़र है, तो वो उनके अपने खुद साख्ता भी आ जाते हैं, यानी ख़ुद ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो उस वजह से कुछ मसाइल पे आते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। हर तरह के मसाइल, यानी वो सफ़र हज के दौरान वो जिसको कहते हैं तकनीकी तौर पर पेश आने वाले हों या वहाँ कुदरती तौर पर पेश आने वाले हों, उन सब के बारे में अगर हुजाज इकराम यहाँ से जान कर जाएँ और तरबियत लेकर के जाएं, तो मेरे ख़्याल में फिर मसाइल अगर पेश आए भी तो उससे उनको परेशानी नहीं होगी, वो उन मसाइल का हल फैसले से जानते होंगे, और अगर कहीं कोई दिक्कत पेश आए भी तो फिर वहाँ वो जो उलमाए किराम मौजूद होते हैं उनसे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि यह सफ़र चूँकि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, इसलिए हुजाज इकराम की सारी तवज्जो अगर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पर रहे और वो ख़ुद भी ऐसी मुश्किलात अपने लिए पैदा न करें कि जो उनको इस अजीम सफ़र के फ्यूज़ बरकात से महरूम कर देने वाली हूँ, और जो उनके साथ हम सफ़र हैं उनके लिए भी राहत का ज़रिया बने, सुकून का ज़रिया बने, और उनके लिए भी कोई ऐसी मुश्किल पेश ना करने की कोशिश करें जिससे उनको तकलीफ़। ख़ास तौर पर तीन चीज़ें जिनका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी किया और नबी अलैहिस्सलाम ने भी किया कि वो लड़ाई झगड़े से, फिस्को फजूर से, गुनाह के कामों से अपने आप को बचा करके रखें, तो इंशाल्लाह फिर बहुत से मसाइल ख़ुद ब खुद हल होते चले जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में रहनमाई लें अपने दोनों आज के फाजिल उलमा इकराम से
कि जो मेरी आपकी और उन खुश नसीबों की जो सफ़र हज पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। तो मैं आगाज़ करूंगा जनाब हाजी मोहम्मद नसीर मुगल साहब से। हाजी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक हाजी जब नियत कर लेता है सफ़र हज की, तो उसके साथ ही उसको ज़ाहिर है कि उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो किस किस्म की तैयारी उसको शुरू करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इस तैयारी में उसको पेश नज़र रखनी चाहिए ताकि वो इस सफ़र को बाबरकत बना सके, इसके मसाइल से कम अज़ कम वो बचा रहे। शुक्रिया सनावला भाई, आप मेज़बानी कर रहे हैं, आपकी मेज़बानी का शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया है और हज के मसाइल के बारे में, ताकि हम लोगों को आपके चैनल के ज़रिए ये चीज़ें सारी हम बता सकें। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला की वो आयत सूरत आले इमरान की 97 उसको पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहि अलल नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह का हक क्या कि लोगों पर हज करना उस घर का जो शख्स कुदरत रखता हो उसकी, ये है, और उस तरफ जाने की राह चलने की, और जो ना माने तो फिर अल्लाह परवाह नहीं रखता जहाँ के लोगों की। पूरी जहान के लोग अगर कुछ भी कर लें तो अल्लाह को इनकी कोई, अल्लाह ताला को परवाह नहीं है, ये आयत है मेरे भाइयों। इसी के साथ जुड़ती हुई मेरे और आपके आका जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुने अल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों के ऊपर है कि सबसे पहले कि अल्लाह तबारक व ताला को वहदहू ला शरीक मानना, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानना, और उसके बाद नमाज, और फिर उसके बाद ज़कात, और फिर हज का जिक्र आया, और उसके बाद रोज़े का, ये चीज़ें। अब हज का जब जिक्र आ गया था, दूसरे एक सहाबी हैं वो जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश होते हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कौन सा अमल ऐसा है जो सबसे अच्छा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाते हैं, साबिर जो हमारे मोहतरम हैं उनको, कि सबसे अच्छा अमल जो है वो अल्लाह पर ईमान लाना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। फरमाया उसके बाद, जिहाद करना। अब जिहाद की लंबी तफसील है कि जिहाद बिल लिसान है, जिहाद इस पे आते हैं, हज की तैयारी पे, क्योंकि तो तफसील है काफी ना। हज पे आ गया, हज पे आ गया। तो तीसरी चीज आपने फरमाया कि वो है कि पूछा और कौन सी चीज है, फरमाया तीसरी चीज है हज मबरूर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब हज मबरूर जब होता है तो हमारा आज का मौजू जो है कि सफर हज और उसके मसाइल या मुश्किलात या उसका हल है जी जी। तो सबसे पहले मुश्किल जो हाजी को होती है वो ये होती है कि मैं उसकी बुकिंग कहाँ कराऊँ। अब गवर्नमेंट की बुकिंग होगी, ख़त्म होगी, कल से उनकी फ़्लाइट जानी शुरू होगी, फिर उसके बाद 50% जो है प्राइवेट हर ग्रुप ऑर्गेनाइज़र को गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बज़रिया मजहबी अमूर उनको वो कोटा तफवीज़ किया है, जो कि पाकिस्तान के तूलो अरज़ में तमाम शहरों में वो हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपने आप को ये जाहिर करते हैं कि हमारे पास भी कोटा है, और हाजियों को वो बुक कर लेते हैं और बाद में फिर हाजी जा नहीं सकते और उनके पैसे खा जाते हैं। हमारे सामने बहुत सारे मिसाइल इस किस्म के हैं, मैं चूँकि इससे रिलेटेड हूँ, मुझे इल्म है इस बात का। तो मैं तमाम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी बुकिंग करें किसी ऐसे टूर ऑपरेटर के पास जाएं कि जिसके गेट के ऊपर ये बाकायदा लगा होगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, लेकिन उसके बाद अंदर उसके पास लाइसेंस हो और उसका आरएल लगा हो कि इसका इतना कोटा है। अगर उसका कोटे का आरएल है तो आप उसे बुकिंग कराएं, वरना ना कराएं। ये भी सबसे बड़ी मुश्किल जो हाजी को जो है वो ये है, किसी गलत बंदे के पास अगर वो चला गया तो उसकी सारी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो हज के लिए तैयारी का पहला मरला कि वो ज़ाया हो जाएगी, और फिर हज क्या करेगा? अब ये सबसे मुश्किल से बचने के लिए उसको ये पहली जरूरी है। फिर किस किस्म की तैयारी करें? दूसरी बात यह है, जब उसको ये कंफर्म हो गया कि जी मैंने तो अब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जगह पे
मैंने अपनी बुकिंग करवा दी है और मैंने अपनी हज के लिए जाना है, और हज के जो औकात हैं या उसके वक्त हैं वो मुकर्रर हैं, वो कोई अभी नहीं होने। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं शार्ट शार्ट बताना चाहूँगा, तफसील बड़ी लंबी है, ये है कि सबसे पहली जो वो बात करें वो सफ़र हज के अंदर उसका ये काम है कि वो उसको हल करने के लिए उसको चाहिए कि हर रोज़ 3 से 4 मील पैदल सफ़र करें, मर्द हो या खातून हो। क्यों? कि दूसरा मरला, पहला मरला उसका माली, उसका बचाव हो गया, उसका हाल निकल आया, तीसरा उसका फिजिकल हाल हमने निकालना है कि उसने ये हज जो है इबादत है, ये बदनी इबादत है और ये फिजिकल आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी और इसका जो है और कोई तोड़ नहीं, इसका यही तोड़ है कि आप इसकी यहाँ पे एक्सरसाइज करें और उसको अपने आप को फिट कर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है ये कि ख़ास करके ये फिजिकल के लिए आपको ये वर्जिश करनी है, और दूसरी चीज़ यह है कि अपनी ग़िज़ा के ऊपर कंट्रोल करना है। आपने अपनी ग़िज़ा, उसका नाश्ता, लंच, डिनर बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से अपना उसका तयन कर लें और उससे बढ़ के रोज़ाना कभी कम कभी ज़्यादा ना खाएं। कुछ अरसे के लिए आप अपने आप को इसको एहतियात करते हुए, कंट्रोल करते हुए अपने जो खाने की चीज़ें उन पे कंट्रोल कर लें, इंशाल्लाह ताला इसकी वजह से भी आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा कि वो खराब हो जाए। ये भी तैयारी का दूसरा बड़ा बहुत ज़रूरी मिला है, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ से जब चलते हैं तो अपना सामान वगैरह, अपना आज ग्रुप ऑर्गेनाइजर कुछ सामान देगा, कुछ आप खुद खरीदेंगे, और उससे एक किताब लेना ना भूलें, लाजमी उसको ऐसी बुक लें जिसके अंदर सारे मिसाइल लिखे होंगे आज के, और उसको यहाँ से रोज़ाना उसकी प्रैक्टिस करें और वो तैयार करें गोया कि आपको वो सारी चीज़ें हिफ्स हो जाएं, अमली तौर पर आपका हिफ्स हो जाए। अब अमली तौर पर जब आपको हिफ्स हो जाए, आपकी डेट आ गई, आपकी फ्लाइट होगी, सारी होगी, आप एयरपोर्ट पर चले गए, तो अपने सबसे बड़ी जो मैं आपको गोशगुजार करूँगा, आपको हदायत करूँगा ये कि अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर का साथ ना छोड़ें। अपनी तरफ से कोई इशारी करने की जरूरत नहीं, हज एक बिल्कुल अलग से अमल है। आपने 100 सफर भी किए हो तो इस पे असर नहीं होंगे, हज एक अलग अमल है, आप उसके साथ साथ रहें, कदम ब कदम वो आपकी रहनमाई करेंगे। प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो है तुल अरज में फैले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो आपकी खिदमत करने के लिए आपके साथ हैं, और वो पे दर पे आपको इसी तरह जैसे बोर्डिंग होने से लेकर सामान कितना लेके जाना है आपने इसकी रहनमाई करते हुए, जहाज को बैठना कैसे है, फिर जहाज आपने उतरना कैसे है, फिर वहां एयरपोर्ट पे आपको मुश्किलात पेश आएंगी, वो आपके साथ होंगे, उन मुश्किलात का हल करने के लिए वो आपको मुश्किलात के मावन और मोमिद साबित होंगे, दूर करने के लिए वहां फिर आपको बशर्ते कि आप उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनका पीछा नहीं छोड़ना, जो पहला मेरा जो जुमला है अगर आप जानते हो। जी आई साहब, नहीं बहुत अच्छे आपने 3-4 पॉइंट जो बताए ना जी, जी जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे ख्याल में अगर हजाज इकराम सिर्फ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ ही नहीं, जो सरकारी स्कीम में जा रहे हैं वो भी अगर हज अमले के साथ तआवुन करें, यहाँ एयरपोर्ट पर भी अमला मौजूद होगा, वहाँ ख़ास तौर पे जद्दा में या मदीना मुनव्वरा में भी हमारा वज़ारत मज़हबी उमूर का अमला मौजूद होता है, मामनीन हुजाज मौजूद होते हैं, तो वहाँ भी अगर वो उनकी रहनमाई में चलेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, उनसे तआवुन करेंगे, तो फिर बहुत सी मुश्किल से वो बचे रहेंगे। जी मौलाना सलीमुल्लाह साहब, कुछ चीज़ें तो जैसे अभी हाई साहब ने बता दें, यानी अमलन तैयारी के लिए, तो ज़ाहिर है कि किताब खाली उनके पास होगी, उसमें बहुत से मसाइल होंगे, उनको भी यहाँ से सीख करके जाएं, और मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। और उसके साथ साथ बहुत से हजाज इकराम के बारे में ये होता है कि वहाँ वो ऐसे रस्म व रिवाज के पीछे पड़े रहते हैं कि जिनका हज के मनासिक से या हज की इबादात से, मसनून मशरू इबादात से कोई ताल्लुक नहीं होता, और ऐसे गैर ज़रूरी मशागल के अंदर पड़े रहते हैं कि जिससे फिर उनका हज जो है, हज जैसी इबादत जो है मुतासर होती है। आप इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मियां साहब, मोहतरम हाजी साहब ने जो बातें की है हज की, जो मादी और ज़ाहरी तैयारी के हवाले से, मैं थोड़ा सा इसी हवाले से चंद एक बातें जो है हज की शुऊरी तैयारी के हवाले से जो है, और हमारा दीन जो है इस बारे में हमें किन चीज़ों की तालीम और हिदायत देता है। जी हज देखे, ये एक ऐसा सफ़र है जो खालिसतन इबादत है, लिहाजा एक मुसलमान को इस बाबरकत सफ़र को अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ काबिल कबूल बनाने के लिए जी। और अपनी ज़िंदगी का एक मुनफरिद और यादगार सफ़र बनाने के लिए चंद एक बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसका ताल्लुक़
اسی تیاری اور سفر حج کی تیاری سے ہے جی. تو اسلام کسی بھی عبادت سے پہلے آپ کو جس تیاری کا حکم دیتا ہے وہ اخلاص نیت ہے جی. آپ اپنی نیت کو دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے آپ کسی دنیاوی نمود و نمائش کے لیے معاشرے میں اپنے آپ کو حاجی صاحب اور قاری صاحب کہلوانے کے لیے فلان جناب میرا پڑوسی یا میرا محلہ دار حج پہ گیا اب میں نہ جاؤں اچھا نہیں لگتا ہے ان عوامل کی بنا پہ آپ اٹھ کے گھر سے جا رہے ہیں یا خالصتاً جس طرح آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نماز کی اور باجماعت نماز کی حاضری کی نیت سے آتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں جی. اللہ کے گھر میں حاضری کی نیت سے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اخلاص نیت اور اپنی نیت کی تجدید جی. کرنے کی جی. جی. ضرورت ہے. ایک اور چیز جس کا بہت زیادہ حج کے حوالے سے قریبی تعلق ہے, آپ کو اہتمام جس کا کرنا چاہیے وہ ہے رزق حلال اور لقمہ حلال. حاجی صاحب نے تو بات کی نا, حاجی جو ہے وہ سرکاری اسکیم یا پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے حج کا کوٹا بک کرنا, جن پیسوں کی بنیاد پہ یا جن پیسوں کے ذریعے آپ کوٹا بک کرتے ہیں وہ پیسے آپ کی کمائی اس کی کیا نوعیت ہے؟ حلال ہونا چاہیے. ہاں یہ رزق حلال کا ہونا چاہیے. پوائنٹ بتاتے جانا تاکہ وہ پھر وقت کم ہے تو جو ہے یہ رزق حلال جی. اور اسی طرح زاد راہ سفر جی. کے لیے, اور سب سے بہتر زاد راہ قرآن نے کہا کہ وہ تزود و فعن خیر زادی التقوا. یہ جو تیاری کی بنیادی یہ جو تین چیزیں ہیں اخلاص جی جی. رزق حلال اور تقوا اور پرہیزگاری کی جو زاد راہ جی. ان تینوں سے اگر آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کا سفر حج جو ہے وہ مقصدیت سے ہٹ جائے گا جی. ہاں اور آپ کا جو سفر حج ہے وہ صرف ایک آپ یوں کہہ لے کہ صرف نمود و نمائش والی بات بن کر رہ جائے گی, آپ کو دنیا آخرت میں وہ فائدہ مند نہیں ہوگا جی. اور جہاں تک آپ نے غیر ضروری مشاغل کی بات کی, غیر ضروری مشاغل کچھ حج پہ جانے سے پہلے ادھر کے ہوتے ہیں جو بنیادی تیاریاں فقہی احکامات حج کی جو ہے وہ باتیں اپنے آپ کو ان سے آگاہ کرنے کی بجائے دعائیں یاد کرنے میں وقت صرف کرنے کی بجائے اذکار سفر کے آداب سفر کی دعائیں منا عرفات میں طواف کی دعائیں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی بجائے آپ جو ہے وہ پارٹیاں دعوتیں اور یہ جناب ہار اور مالے وغیرہ ان چیزوں میں گروپ فوٹو اور آج ادھر دعوت ہے آج ادھر دعوت ہے آج ادھر پارٹی ہے ان چیزوں میں جو ہے انسان وقت زیادہ رسوم و رواج میں صرف کرتا ہے. دوسری بات وہاں جائے آپ جس عبادت کے لیے گئے ہیں اس عبادت پہ آپ کی توجہ نہیں ہے. مسجد حرام میں ایک نماز جو ایک لاکھ جو ہے نماز کے برابر جس کو قرار دیا گیا, مسجد نبوی میں ایک نماز کو 1000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا, آپ کی توجہ وہ نہیں. آپ غیر ضروری مشاغل میں ایسی چیزوں میں جو ثانوی حیثیت رکھتی, مثال کے طور پہ آپ اپنی عمر کا لحاظ نہیں کرتے ہیں, اپنی جو ہے جسمانی طاقت کو نہیں رکھتے, آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے غار حرا پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, غار ثور پہ چڑھنے کی کوشش. ٹھیک ہے تاریخی مقامات ہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی باتیں, لیکن یہ حج کے اراکین میں تو نہیں ہے نا. آپ اس طرح اپنے آپ کو تھکاتے حج سے پہلے ہی, اور اسی طرح پھر مختلف جگہوں پہ جانا. میرے خیال میں آپ بھی تو الحمدللہ کئی ایک عمرہ اور حج کر کے آ چکے ہیں. آپ نے کبھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سائیکل دیکھی؟ اس کو زیارت کی آپ نے؟ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب پھر آپ کا حج تو ادھورا رہ گیا. یعنی جدہ میں دیکھے ایک وہ چوک ہے اس کو جو ہے وہ سائیکل چوک کہا جاتا ہے, یہ شارع سکین اور شارع ملک فہد کا چوک ایوب روضہ کے قریب. وہاں پہ ایک بہت دیو قیمت شاید گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا ہے. تو ہمارے پاکستانی بھائی میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں, اس کے نیچے جانماز بچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے, دعائیں کر رہے ہوتے. اسی طرح جی فلان درخت کے جانا ہے, فلان جو ہے ایک مدینہ میں وادی بیضا جن ہے کہتے یہاں سے گاڑی الٹا جو ہے سٹارٹ, اس کو بند کر دو انجن, یہ حرم کی طرف آنے. تو مدینہ میں ایک ہی راستہ ہے حرم کی طرف آنے کا, اور جگہوں سے قبا سے کیوں نہیں آتا؟ وہ تو گریویٹی ہے زمین کی, اور مطلب اس کو پھر روحانیت سے جوڑنا, اور اس طرح کی چیزوں میں جناب خاک شفا ہم نے لینا ہے, یہاں سے مٹی لینا ہے, اور جناب یہ کفن کے کپڑے ہیں اس کو زمزم سے دھونا ہے. یہ آپ کی دلی خواہش, چلو آپ اپنی خواہش پوری کر لیں, لیکن دین کے حوالے سے انسان کا عمل اور اس کا کردار اگر کچھ نہیں ہے تو زمزم سے ہزار دفعہ آپ کفن دو کے آپ اس کو تکفین کریں اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا. تو حجاج کرام زیادہ تر اس طرح کی چیزوں میں اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں, تو ان کی بجائے جو مین مقصد کا کام ہے اس پہ توجہ دیں. اللہ کی رضا اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت. طواف ایک ایسا عمل ہے جو کعبے کے علاوہ کہیں دنیا میں نہیں ہو سکتا.
तिलावत आप और कहीं कर सकते हैं, एहतिकाफ कहीं बैठ सकते हैं, नफिल सदका नमाजें, लेकिन तवाफ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तवाफ में सरफ करें, तो इन चीज़ों पे नहीं तवज्जो देते बदकिस्मती से हमारे लोग। जी आई साहब, अभी मौलाना ने बड़ी कीमती बातें बताई हैं, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा कि अपने नीयत का खालिस होना, यहीं से नहीं वहाँ जाकर भी इखलास ही सबसे बड़ी बात है। तो आप क्या समझते हैं कि जब एक हाजी फरमान शरीफन जाता है, मुकामात मुकद्दसा में जाता है हज और उमरा करने के लिए, तो कौन सी ऐसी ख़ास उमूर हैं जिन पर वो अपनी तवज्जो ख़ास तौर पर मरकूज रखे, और फिर उसको जो आपने शुरू में बात की हज मबरूर वाली, हज मबरूर वसा मशकूरा, तो फिर वो उस मकाम तक पहुँच सके। सरावला भाई, मैं शुक्रिया, मैं आपके ये रोज़ टीवी के जो नाज़रीन हैं उनके सामने ये आपका जो सवाल है, इसका जो आप भी इंशाल्लाह दूंगा, ये रूहानी और मौलाना भी दे रहे हैं, मैं कुछ मादी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो अक्सर हजाज कराम को मुश्किलात पेश आती हैं, और वो आम बंदे को ये पता नहीं है, हमें पता है कि वो कैसे कैसे पॉइंट वाइज बता दें वो कैसे कर। सबसे पहले ये है कि जो एयरपोर्ट में जाते हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, सरकारी पाकिस्तानी हाजी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के साथ जा रहा हो, हर दो किस्म के जो हजाज कराम हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि किसी दूसरे शख्स को जिसको आप जानते नहीं हैं उससे कोई चीज़ ना लें, कोई बैग ना लें, कोई कह जी ये पकड़े में इधर जा रहा हूँ ना लें, पानी की बोतल भी ना लें, उसके अंदर भी कई फ्राड है। तो कोई चीज़, मेरा ये कहने का मकसद है, मादी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ जो आम बंदों को ये पता नहीं है, ये किताबों में लिखी हुई नहीं है, ये हाजी को मुश्किलात में डाल सकती हैं। तो ये इसका हल ये है कि वो किसी से वो चीज़ें लेने की कोशिश ना करें। ये बड़ी ख़ास मैं अहम बात बता रहा हूँ आते हुए या जाते हुए। जी जी, अगले पॉइंट पे चलें, अगले पॉइंट में आते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि हुजाजे कराम जो है ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि कोई ऐसी हरकत भी, मैं ज़ाहरी बातें कर रहा हूँ, रूहानी मौलाना कर रहे हैं, तो ज़ाहरी बात है कोई ऐसी हरकत वहाँ पर ना करें भीख मांगने की, कोई चोरी चुकारी की, अगरचे ज्यादा लोग तो नहीं करते हुजाज इकराम, लेकिन कुछ ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने यही गोश गुजार करूंगा कि आप किसी ऐसे गलत काम में मुलव्वस ना हो वहां पे कि जिसकी वजह से आपकी जात जो है वो भी जो है वो दागदार हो जाए, और पाकिस्तान जो आपका एक प्यारा मुल्क है उस पर भी दबा है कि पाकिस्तानी है। लोग जो है जा जाएं या हाजी होके भी ऐसे काम करते हैं। ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, इनकी मैं पॉइंट इस तरह बता सकता हूँ कि मांगने वाले भी वहाँ मौजूद हैं, सबील पर भी खड़े होते हैं, और कुछ लोग चोरी करते भी पकड़े गए हैं, वो ऐसे हाजी नहीं, हाज के ऊपर बुकिंग करके चले जाते हैं और वहाँ काम और करते हैं, भीख मांगने के लिए जाते हैं। यस, तो उनको मैं हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो है प्राइवेट, इनको भी मैं तंबीह कर रहा हूँ कि आप बाकायदा गौर करके इन लोगों को बुक करें, ऐसे लोगों को खास करके भिखारियों को कभी बुक ना करें, ये आपके पाकिस्तान के लिए इंतहाई बदनमा धब्बा साबित होंगे। ये मैं चीजें बता रहा हूँ, बाकी रूहानी चीज है, इखलास की बात आपने जिक्र फरमाया, तो हज तो नाम ही इसी चीज़ का है कि जो इन्नमल अमाल बिन्नियत, नियत जब उसने कर ली तो अल्लाह के यहाँ उसको कबूलियत का दर्जा मिल गया। अब पै दर पै उसने अमाल करने हैं, पांच दिन उसके लिए मुकर्रर हैं, अल्लाह ने उसको तरीकाकार बता दिया है, ये मनासक इसको कहा जाता है। अब उस मनासक को इस तरह अदा करना कि जैसे अल्लाह ने बताए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाए हैं, अब ये अमल जो अल्लाह का बताना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाना और उसी तरह का करना, इसी के मकबूलियत जो है वो अल्लाह के यहाँ मौजूद है। सुभानअल्लाह। इसके अलावा कोई अगर हज करेगा अपने तर्ज अमल के साथ तो वो कभी भी काबिले कबूल नहीं होगा। लिहाजा जिस तरह दुकान में जाते हैं, हर चीज अच्छी से अच्छी तलाश करते हैं कि मुझे मिल जाए, तो आप हज के लिए इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, आप एक एक कदम पर पूछे उलमाए से, उलमा से और प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से जा रहे हैं तो उनके साथ उलमा भी होते हैं और वो खुद भी बहुत तजर्बा रखते हैं, उनसे एक एक चीज़ पूछें कि ये कैसे करनी है, नफल तक, सुन्नत तक, वाजब तक, हर चीज़ को बर वक्त अदा करें, और फिर हज मबरूर इसका नाम है। हज मबरूर इसका नाम नहीं है कभी सुनते भी छोड़ दिए, कभी नफल भी छोड़ दिए, कभी ये छोड़ दिए, अपनी मर्जी हज मबरूर नहीं है। हज मबरूर का मतलब है कि तमाम फ़रज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी पाक तरीके के मुताबिक। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा वजाहत फरमाया दिया। नाज़रीन, ये बड़ी ही गौर तलब बातें हैं जो आयशा फरमा रहे हैं कि हमें वहाँ जाकर जहाँ अल्लाह को राज़ी और खुश करना है वहीं अपने पाकिस्तान की नेकनामी का ज़रिया भी बनना है। हमारे एक दोस्त के बकौल ऐसा वाक़या भी हुआ कि मस्जिद नबी में लोग बैठे हुए ताश खेलते हुए पकड़े गए और पाकिस्तानी थे,
तो कितनी बदनामी वाली बात है। तो अब वो सख्ती जब करते हैं फिर हम कहते हैं जी वो सऊदी जो है ना वो शुरतें निकाल देते हैं, सख्ती करते हैं, तो आप ऐसा मौका क्यों देते हैं? तो ज़्यादा वक्त जैसे हाजी साहब ने कहा है कि वो इबादत पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें, तो वो हरम शरीफ में हो, मस्जिद नबवी में हो, वो नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ें, हरम शरीफ में हो, तवाफ़ करने की कोशिश करें बैतुल्लाह का, तो इन पर तवज्जो रखें, इंशाल्लाह फिर अल्लाह के यहाँ हज मबरूर की दुआएँ मांगें, कबूलियत की दुआएँ मांगें। नाज़रीन वक्त है छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद फिर हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और आज का जो हमारा मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है, सफ़र हज के मसाइल और उनका हल। जैसे मैंने गुजारिश की है, खुश नसीब हैं वो लोग जो हजर सफ़र के इन मराहल में हैं कि वो मक्का मुकरमा, जद्दा या मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हैं, चूँकि हज फ्लाइट शुरू हो चुकी है, और वो भी खुश नसीब हैं कि जो तैयार होकर बैठे हुए हैं, और यकीनन अल्लाह उनको भी खुश नसीबों में शुमार फरमाएगा जो जाने की तड़प और लगन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए भी असबाब वसाइल मुहैया फरमा देगा। तो आज हम इन्हीं मसाइल के बारे में अपने उलमाए कराम से ये बात जान रहे हैं। जी मौलाना ये फरमाएँ कि कुछ ऐसे उमूर या ऐसे अवामिल भी कभी आपने देखे हैं कि जिनकी बिना पर एक हाजी जो है अपने इतने कीमती सफ़र को ज़ाया कर बैठता है, वो अपने पैसे भी लगाता है जैसे हाजी साहब ने कहा और आपने भी कहा, लेकिन वो जो फ़ायदा या नफ़ा उसने वहाँ से हासिल करके आना था वो उसके हिस्से में नहीं आता? बिल्कुल ऐसे अवामिल है, लेकिन इन अवामिल की तरफ आने से पहले एक मिनट में मैं एक बात, अभी हज मबरूर की बात हुई तो हज के हवाले से आप बेहतर जानते हैं कि हज में एक बुनियादी शर्त है इस्तेताअत। इस्तेताअत और इस्तेताअत जो है ख्वातीन के हवाले से खासकर, एक खातून चाहे यानी मिलियंस के हिसाब से भी वो अगर मालदार है, उसके पास अरबा दौलत है, लेकिन अगर उसके पास महरम नहीं है साथ जाने के लिए, या तो उसका शोहर या उसके महरम रिश्तेदारों में से बेटा, भाई, वालिद या कोई भतीजा, भांजा, तो वो हज उस पर वाजिब नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, मैं माजरत के साथ हाजी साहब से कि हाजी साहब का जो अपना इदारा है प्राइवेट जो हज टूर ऑपरेटर का, और हमारे जो बैंक्स, वो हाजियों को सहूलत देने के शौक में कुछ ऐसी सहूलतें देने पे आ जाते हैं जो शरीयत से डायरेक्ट मुतसादिम, महरम बना के बेचते हैं। ये हाजी साहब भी इस बात का एतराफ़ करेंगे कि बहुत से लोग, यानी किसी खातून की ख्वाहिश होती है लेकिन महरम साथ नहीं है, या किसी महरम को साथ ले जाने का, कोई गरीब महरम हो सकता है लेकिन इतनी इस्तेआत नहीं है कि उसका भी खर्चा बर्दाश्त। मौलाना मैं एक बात सिर्फ जुमला आपकी बात में दावा करूंगा कि हमारे अक्सर लोग इसको पाबंदियां कहते हैं, पाबंदियां नहीं, ये आसानियां हैं, ये दीन का आसानियां रखी है और आसानी क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी वहाँ पे सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पे फिर एहसास होगा कि महरम का साथ होना आसानी थी या पाबंदी थी। क्या करते हैं बैंक वाले और ये प्राइवेट टूर जो ऑर्गेनाइजर्स है, वो किसी को महरम बना के कागजात में जोड़ कर बेच देते और वो खुद भी गुनाहगार हो जाते हैं और उस हाजी को अगली सफर हज का आगाज एक गुनाह से करने पे ये लोग मजबूर कर देते हैं, इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। और जहां तक आपने अवामिल की बात की, वो कौन से अवामिल है जिसकी वजह से वो इस सफर की कदर व कीमत को नहीं जान सकते और इसको जाया कर देते, बहुत सारी बातें हैं। रसूम और रिवाज से मुतासिर होना, हज क्या है और हज की मकसदियत क्या है इससे सही मानों में आगाह न होना, यानी ये कितना अहम सफर पे मैं निकला हूँ, किसके हुक्म पे जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, उस मकाम की अजमत, उस मकाम की जो उसका जो तकद्दस है उससे अवेयर न होना, आगाह न होना, और ये कितना बड़ा सफ़र है, इस सफ़र की अहमियत और इसकी रफ़त और बुलंदी इससे आगाह न होना, मुताला न होना। सबसे बड़ी बात तो ये ना कि आप एक काम करने जा रहे हैं तो आप छोटा सा भी कोई, जिस तरह राजी साहब ने कहा, एक छोटा सा भी कारोबार करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो ये अमल आप इसके बारे में पूछें तो सही, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन जगहों पर जाना चाहिए, किन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ये जो एक कहते हैं ना कि जो आगही और जो नॉलेज का जो लेवल है वो हमारे लोगों में बदकिस्मती से बहुत लो है और बहुत ही कमज़ोर है, जीरो है, हम कुछ जानते नहीं, बस किसी का हाथ पकड़ के देखा देखी में चले जाते हैं और वहाँ जाकर फिर जो परेशानियाँ आती है अहकामात के हवाले से कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे अहराम के नीचे बनियान पहन के वहाँ
पहुंचे हुए थे, जुराबें पहन के पहुंचे हुए थे, ऐसे महजूरात एहराम जिनकी वजह से हाजी के हज पे एहराम पे असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें किस लिए? तैयारी इसकी पहले से इस तरह शौरी तैयारी नहीं थी कि उसने अपने आप को आगाह नहीं किया हुआ था। जो मुख्तलिफ हमारे इदारे हैं जिनका ये फ़र्ज़ बनता है हाजियों की तरबियत का, हाजियों की जो है तदरीब का, उन्हें आगही देने का, उन्हें हज के जो अहकाम है उससे रोशनास कराने का, वो सही मानों में अपना किरदार या तो बहुत सारे ऐसे हैं उनके पास वसाइल नहीं होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं। इस पे भी आपसे बात करते हैं कि ये तैयारी करवाना किसकी जिम्मेदारी है। इस वजह से ये बुनियादी वजूहत ये होती है जिनकी वजह से ये सफ़र जहाँ बहुत बाबरकत है वहाँ ये बहुत सारी कमियों का शिकार होकर रह जाता है। जी मौलाना, मैं आपकी बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा कि जहाँ ये सफ़र बहुत बाबरकत है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। हमारे यहाँ गलत फहमी ये पाई जाती है कि जी अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया और हम चले गए, और जब बुलावा आ गया तो वो जी आता ही उसका बुलावा जिसका हज कबूल होता है, तो ये बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बुलावा आने का मकसद ये भी है कि अल्लाह ने एक मौका दिया आपको, आपने उस मौके को अवेल कर लिया या ज़ाया कर लिया। अगर महज इसी बुनियाद पर कबूलियत होती तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फरजंद इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ, दोनों अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद ये ना कहते रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कबूलियत की फिर भी दुआ मांग रहे हैं। सिर्फ मियां साहब, सिर्फ बुलावा आना और वहाँ पर पहुँचना ये जमानत नहीं है कबूलियत। जी मैंने वही अर्ज किया ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे के बयान फरमाया रिज़्क हलाल की जो है वो तरगीब देते हुए, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, और फरमाया ये वही हुक्म है जो अल्लाह ने पैगम्बरों को दिया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया, हदीस में आता है युतील सफ़र, बहुत तवील और दराज सफ़र करके जाता है, अशअसा अकबर, नंगे सर नंगे पाँव और उसके सर के बाल गुबार आलूद हो चुके, उसके जिस्म गर्द गुबार से अटा हुआ है, यमुद्दु यदहु इला समा, वो मैदान अरफात में है, हज के मशाइर में है, वो अपना हाथ फैला के आसमान की तरफ उठा के दुआ करता है, या रब या रब, यानी इंतहाई आजिजी के साथ। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया वह मतअमहु हरामुन, उसका खाना गिजा हराम का है, वह मशरब हु हराम, पीना उसका हराम का है, मलबस हु हराम, ये जो लिबास जिसम पे वो हराम का है, गुजी बिल हराम, परवरिश उसकी हराम से हुई, फअन्ना युस्तजाबु लिदालिक, ऐसे आदमी की दुआ कहाँ कबूल की जाती है। तो ये सिर्फ बुलावा आना ये कोई गारंटी नहीं है जमानत। जी मैंने वही अर्ज की ना जी के बुलावा आना तो आपको एक चांस दिया अल्लाह ने ना, मौका दिया है, आपने उसको ज़ाया कर लिया या अवेल कर लिया? बिल्कुल ज़ाया किया, जैसे आपने फरमाया कि वो और मशागल में पड़ा रहा, रिज़्क़ की तरफ तवज्जो ना दी, और अवेल कर लिया कि उन शरी हुदूद व क़ुयूद का ख्याल रखा और फिर अल्लाह से उम्मीद रखी, दुआ मांगी कबूलियत की। तो हमारे यहाँ तो ये भी है ना जी कि हम आजकल सऊदी गवर्नमेंट ने ज़रा जो सख्ती की हुई है कि जनाब जो सिर्फ एहराम वाले लोग हैं वो जा सकते हैं मताफ में, तो हमारे बहुत से भाई ऐसे भी हैं कि जो अपने होटल से एहराम बांधते हैं और जाके तवाफ करते हैं, और उनका तसव्वुर क्या है कि जी नेकी का काम है, कौन रोक सकता है। भाई अल्लाह के बंदो, जिस मुल्क के अंदर उसके कवानीन नाफिस हैं, उन कवानीन को अगर आप वायलेट करेंगे तोड़ेंगे तो उसमें नुकसान आपका होगा, मफाद आमा के लिए, अगर मफाद आमा के लिए किया गया जी हाँ, तो उसकी पाबंदी करना अगर, भी दीन के अहकामात में शामिल। अगर वो आप नहीं करते, उसको तोड़ते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने ज्यादती किया, तो वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे हैं। आपने जो आप पे फ़राइज या वाजिब जो आपके तवाफ थे उनको आपने कर लिया, उनसे आपको कोई मना नहीं करता, तो उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़े मामले को, तो वहाँ के कवानीन की पाबंदी करें। भाई साहब ये फरमाएं कि ऐसे बहुत से मशागिल जिनके अंदर हाजी पड़े रहते हैं, जिसका आपको भी तजर्बा है वसी, कुछ बातों की तरह आपने इशारा किया है, और उसमें अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, और फिर जब हज के दिन आते हैं यानी कि जिनकी पहले फ़्लाइटें चली जाती हैं, प्राइवेट वाले तो खैर ले जाते हैं मुख्तसर वक्त के लिए है ना, ये 14 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए शायद इतना मौका नहीं मिलता, जो 40-40 दिन वाले हैं ज़्यादा, तो वो फिर जब हज के अयाम आते हैं तो वो बेचारे थके टूटे होते हैं, बीमार पड़े होते हैं, बुखार हुआ होता है, और वो मनासिक हज इसी तरह से अदा नहीं कर सकते, क्या कहते हैं आप? जी मियाँ साहब आपने ठीक फरमाया, मैं ये आपकी बात का जवाब देने से पहले मोहतरम जनाब मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि महरम के बगैर तो नहीं लेके जाना चाहिए,
अब मेरा तजर्बा तो यह है कि हमारी कंपनी कारवाने मक्का हमने तो कभी महरम के बगैर नहीं ले नहीं, मैं किसी के नहीं, 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 नहीं अटैक नहीं कर रहा, कुछ को करते भी होंगे, मैं बता रहा हूँ क्लियर कर, उमूमी बात हो सकता हो भी नहीं, मिसाल दे रहा हूँ कि बड़ा जोर लाया, रोने लगी, दो खवातीन आई, हमारा कोई नहीं आया, अल्लाह के लिए भाई कोई, ये मैंने कहा जी अल्लाह के कानून को तोड़ कर मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सकता जी, इस तरफ भाई साहब वो तो बात हो गई, आ गया जज़ाकल्ला। अभी मैं इस तरफ आया जी कि उसमें ये है कि हाजी को जब वक्त ज़्यादा मिलता है तो वो मार्केटों में फैल जाता है, और मार्केटों में एक मार्केट दूसरी मार्केट और वहाँ चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की देख के वो ख़रीदने की कोशिश करता है, नहीं भी खरीदता तो रेट पूछ के आ जाता है और दूसरे हाजियों को बताता है। मैं ये उनसे मशवरा उनको दूंगा कि इन चीज़ों से वो बचें और ये इस किस्म के जो चक्कर हैं फजूल ना लगाएं, आप हरम में जाएँ और हरम से अपनी बिल्डिंग में आ जाएँ, फिर हरम जाएँ, हरम से बिल्डिंग में आ जाएँ, आपके पास फालतू वक्त है तो आप जिक्र अजकार करें, कुरान पाक की तलावत करें और रबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद पाक भेजें। ये आपके लिए बहुत नादर मौका है जो यहाँ पे नहीं मिल सकता है कारोबारी लोगों को और वहाँ फारिग होते हैं, बजाय मार्केट के उनको इसमें जाना चाहिए सबसे ज़्यादा तवाफ। दूसरी बात यह है जो भी इबादत जो भी करे तो आप तो हर बहुत आला चीज़ है, लेकिन तो आप नहीं कर सकता, अभी नीचे जा नहीं सकता आदमी, और ऊपर जो 7 चक्कर लगाना हर बंदे के बस का बात नहीं है, 7 किलोमीटर जी 7 किलोमीटर में करता हूँ, एक चक्कर एक आध जवान आदमी कर सकता है, बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ट्राली ट्रुली में यानी इस तरह के ये इसमें कोई शक नहीं कि इबादत जो है वो सबसे अफजल है। अब दूसरी बात यह है, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा अपने तमाम पाकिस्तान के हजाज के सरकारी हूँ या प्राइवेट हाजी हूँ, उन सबसे ये मैं गुजारिश करूँगा कि वो वहाँ पे एक आला इखलाक का जो है वो मज़ारा करें, और वो मज़ारा कैसे करें, बड़ा आसान तरीके से, वहाँ आपके साथ जो है ना हज करने वाले बहुत बूढ़े लोग होंगे, उसमें से ज़ईफ़ लोग होंगे, मर्द हों या ख़वातीन, आपके पास बहुत अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया है खिदमत करने का, जो यहाँ दुनिया में हम लोगों को आते हैं यहाँ तो नहीं शायद कर सकते, वहाँ मौका है कि आप उनका सामान उठाएं, आप उनको पकड़ के रास्ता बताएं, आप उनको साथ लेकर जाएं, हरम में साथ लेकर आएं, उनके दिल को खुश करें, उनकी दवाएं जो आपके उनके सीने से निकलेंगी वो उनके तो वो अर्श अल्लाह को चीरती हुई रब करीम के पास पहुँचेंगी और आपके नाम अमाल में वो जमा होती चली जाएंगी। मैं ये चाहूँगा कि ये जो जवान नौजवान लोग हैं जाते हैं और ज़्यादा लोग जाते हैं, इनको अपनी जो फिजिकली जो लाइफ है वो अपनी इबादत के अलावा खिदमत में लगाने की कोशिश करें, और इसका कोई नेमल बदल नहीं है, कमजोर आदमी खिदमत और इखलाक का इतना मजारा करें कि वहाँ पे चिड़चिड़े हो जाते हैं हाजी, जरा से किसी को दिक्कत लगा तो कहते हैं तूने देखा नहीं, ऐसा नहीं कहना, किसी का दिक्कत लग जाए सब्र करना, हज का माना जो है इसार और कुर्बानी है, अगर इसार और कुर्बानी नहीं है और सब्र नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि मैं इतने हक लाल के पैसे खर्च करके आया हूँ तो ये मेरे जाया हुए ना हो जाए कहीं, अल्लाह ना करे ऐसे हो, तो आपने मज़ारा ये करना है कि किसी बंदे को रोब नहीं डालना है, किसी बंदे को गुस्से से नहीं कहना है, किसी बंदे को होए हाय ये नहीं कहना है, दिक्कत लग गया कोई बात नहीं, यहाँ तो क्या फर्क पड़ता आदमी, कोई बात नहीं, माजरत कर ले किसी से, आपने, और किसी को भी दिक्कत नहीं मारना। आपने सही फरमाया कि जो सेहतमंद हजाज हों वो जो कमज़ोर हाजी हैं उनकी खिदमत करें, किसी की ट्राली को आगे लेकर के चले जाएं, किसी को पानी दे दें, किसी को छतरी दे दें, किसी को रास्ता बता दें, ये सारे के सारे वो अवामिल हैं कि जो ऐसी इबादत हैं सदक़े के अंदर शुमार होती हैं, और वहाँ जाकर ये इबादत करना तो अल्लाह के यहाँ बहुत कबूलियत का दर्जा रखती हैं। और ये अच्छी बात आपने बताई है कि जो 7 किलोमीटर का ऊपर तवाफ नहीं कर सकते तो पे उनको इलेक्ट्रिक चेयर्स मिलती हैं। अभी हमारे एक दोस्त गए हुए थे, कहने लगे कि मैं ऊपर नहीं जा सका, तो फिर हमने जो है ना वो इलेक्ट्रिक चेयर ली, उस पे ऊपर तवाफ किया, तो मैंने कहा आपने मॉडर्न ऊँटनी पे आपने तवाफ किया, मॉडर्न इलेक्ट्रिक ऊँटनी पे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पे तवाफ किया ना, बिल्कुल किया जी, तो आई ऊँटनी पे नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिक चेयर जो है आपकी वो मॉडर्न ऊँटनी है, तो अगर आपके पास वसाइल हैं पैसे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं और स्टिक के साथ इजरेसवत को जी जी। अपने मौलाना ये फरमाया, अभी आपने तरबियत की बात की थी, एक ज़माना तो वो था, ये 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब वज़ारत मज़हबी उमूर हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा रेडियो और PTV पे हज अवेयरनेस कम्पेन शुरू की थी और कई साल तक चलती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बानियों में से वेदर रेडियो पे उसका नाम भी अल्लाहुम्मा लब्बैक मैंने तख्लीक किया था, और उससे बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों को कि हमने ये सारी जुज़ियात उसमें बताई, बल्कि लोगों को रोज़मर्रा की अरबी बोलचाल भी कुछ जुमले हम सिखा देते थे, बताते थे कि आपने पासपोर्ट को क्या कहना है, रास्ता कैसे पूछना है, और बदकिस्मती से कुछ सालों से ये तरबियती अमल वज़ारत मज़हबी उमूर से ना
मालूम वजूहात की बिना पर ये रोक दिया गया सरकारी मीडिया पे। चाहिए तो यह था कि प्राइवेट मीडिया पे भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू होते ताकि ज़्यादा अवेयरनेस आती। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तरबियती प्रोग्राम है, कुछ इकदाम अमली तौर पर इसके हवाले से किए जाने चाहिए, कैसे किए जाएँ, और अगर हुकूमत नहीं कर रही तो किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन करेगा? देखिए मियाँ साहब, सबसे पहली और सबसे बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत और रियासत की है जी। जब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामी स्टेट में, एक इस्लामी मुमलकत में रहते हैं, एक वजारत इसी नाम से मुख्तस है, तो इस वजारत को अपना किरदार अदा करना चाहिए जी। और मेरे ख्याल से आज से कुछ अरसा पहले तक ये जो हाजी ग्रुप जाते हैं उनको जाने से मेरे ख्याल में कोई 2-3 दिन पहले हाजी कैंप बुलाया जाता था, कुछ ज़रूरी माहौल के बारे में आ गई, अब पता नहीं वो सिलसिला है या नहीं। ये तो सबसे पहले वजारत मज़हबी उमूर को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनके पास बाकायदा एक रिसर्च का शोबा है जहाँ तक मेरी मालूमात है वजारत मज़हबी उमूर में, और रिसर्च आफिसर भी उनके होते हैं, उनसे बाकायदा इस पर काम करवाए और जो है किताबी शक्ल में भी और वीडियो जो है और ऑडियो उस फॉर्म में भी ऐसा मैटर और ऐसा मटेरियल तैयार करे कि जो हाजियों की तरबियत इसके ज़रिए की जा सके, हाजी कैंप में हो या मुख्तलिफ इलाक़ों में हो, उनके जो रीजनल जो उनके सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या जो है डिवीज़न लेवल पे होते हैं, वहाँ पे उस इलाके के हाजियों को जो है इकट्ठे किया जाए, या इस चीज़ में हमारे मुल्क के तूल औरज में फैले हुए जो बड़े बड़े दीनी इदारे हैं, मदारिस, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन का कोई मेकनिज़म बनाया जाए कि उन मदारिस का और वजारत मजहबी उमूर का कोई इश्तराक अमल हो और हुज्जाज किराम की जो है तरबियत का। मौलाना, उसमें एक चीज़ जो है ना, मैं आपकी बात में इजाफा करूँगा कि हमारे यहाँ उमर जो होता है कि जब फ्लाइट शेड्यूल आ जाता है ना, तो फिर जो हमारे मदीनतुल हुज्जाज होते हैं, हाजी कैंप जिनको कहते हैं, वहाँ पर तरबियती प्रोग्राम शुरू होते हैं सरकारी सतह पर। मेरे ख्याल में ये सरकारी सतह पर हों या निजी सतह पर, हज दरख्वास्तों की वसूली के साथ ही अमली तरबियत शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें ऑडियो वीडियो की शक्ल में हो या उसमें फिज़िकल उन लोगों को बुलाया जाए करीबी सेंटर्स में जिन्होंने हज के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं। जब शेड्यूल आ जाता है तो हाजी, जैसे आपने फरमाया ना, वो और बहुत से मशागल के अंदर मुबतला होते हैं, कोई रस्म रिवाज में भी, कोई ज़रूरी मसरूफियात भी होती हैं, इस तरह तवज्जो नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर सकते वो। जी फरमाइए। तो यही मैं कह रहा था कि इस तरह दीनी मदारिस के साथ या जो दीनी तहकीक और तालीफ से मुतालिक, नशर और तहकीक से मुतालिक जो इदारे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में ये फ़ायदा होगा कि फ़नी तरबियत और जो इस हवाले से सरकारी इंतज़ामी जो उमूर मामलात, उसके हवाले से आप उसको देख रहे होंगे, दीनी हवाले से उन इदारों के जो माहिरीन हैं वो अपनी खदमात पेश कर सकते हैं। एक इश्तराक अमल का ऐसा एक फार्मूला तय हो कि जिसकी रोशनी में, जैसे आपने कहा, आडियोज़ वीडियोज़ की शक्ल में भी और अमली तौर पर भी, फिज़िकली अहराम बांधने का तरीक़ा क्या है, तवाफ़ किस तरफ से शुरू करना है, तवाफ़ करते हुए काबा को दाएँ साइड पर रखना है, बाएँ साइड पर रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और जहाँ पर तवाफ़ मुकम्मल होता है वो कौन सा है, हजरत अस्वद को बोसा देना चाहिए, बोसा मुमकिन ना हो तो हाथ से छूना चाहिए, और वो भी ना हो तो स्टिक से, छड़ी से उसको छुए, इसका क्या तरीक़े कार है, और सिर्फ हजरत अस्वद और रुकन यमानी को छूना है, रुकन इराकी और रुकन शामी जो है उसका ना तो इस्तिलाम है ना इशारा है, ये सारी बातें। तो ये जो तरबियत है इसका बंदोबस्त होना चाहिए, खुद उस बंदे के दिल में भी एक तड़प होना चाहिए। जब तक उसके हाजी के अपने दिल में ये तड़प ना हो, ना प्यास ना हो, तो मजबूर करके या कोई सिर्फ फार्मेलिटी पूरी करने के लिए कोई 1-2 रोज़ा वर्कशॉप करे, उससे बात नहीं बनती। उसके अपने दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए, कम अज़ कम तलबिया सीखे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और इसका तर्जुमा, इस लब्बैक के अंदर कितनी मानवियत और ये कितना वज़नी कलिमा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रहिमहुल्लाह का एक वाक़िया मुझे याद आया कि वो जब हज की सफ़र हज की तैयारी कर रहे थे और सवारी पे सवार हुए, उनका रंग जो है ना बदल गया, जर्द और पीले पड़ गए और वो कांपने लगे और तलबिया उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा नहीं जा रहा था। उनसे कहा गया कि हज़रत आप लब्बैक पढ़े ना, तो फरमाने लगे कि यार मैं लब्बैक कहूँ, लब्बैक का मतलब क्या है कि हाजिर हूँ या अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, कहते मैं लब्बैक कहूँ मुझे खदशा है कि अल्लाह की तरफ से मुझे कहा जाए कि ला लब्बैक, जाओ दफा हो जाओ, मेरे दरबार में हाजिर मत होना, अगर अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया तो मेरी क्या हाल होगी। और फिर वो गिर पड़े सवारी से गश खा के, खौफ का ये आलम, उस सफ़र की अजमत का ये आलम। हाजी के अपने अंदर ये एहसास होना चाहिए, हुकूमतों को करना चाहिए, मुतल्लिका वजारतों को करना चाहिए, और दीनी जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, एनजीओज़ है, खैराती इदारे हैं, हर मस्जिद को ये काम करना चाहिए।
हर मस्जिद के इमाम खतीब साहब इतना तो कर सकते हैं ना कि उस मस्जिद से 5-6 बंदे हज पे जाने वाले हैं, उनको एक दिन के लिए, दो दिन के लिए मस्जिद में प्रोग्राम रखे, आधा घंटे का रखे, एक घंटे का रखे, ताकि जिस कदर तरबियत का जो निताक और दायरा कम होगा, आप बेहतर तरबियत कर सकेंगे। 600 को स्पीच करने की बजाय 6 बंदों को लेके आप तरबियत दें हर मस्जिद, और फिर हर मस्जिद के जो एक इलाके की 5-6 मस्जिदें हैं उनके लिए एक इज्तिमाई प्रोग्राम करे, और फिर उनको हाजी कैंप ले जाके करे, किसी दीनी इदारे में करे, और अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हमारे इदारे जी जी। तो इस तरह से तरबियती एक मुनज़्ज़म, ये पूरा अरसा 40 दिन के लिए अगर आप जाते हैं तो उससे पहले कम अज़ कम महीना 2 महीना लगाएं कि आप हर चीज़ से एक एक जुज़ियात से आगाह हो, वहाँ जाके आप किसी जो है गलत हज की दरखास्तें दें तो साथ ही तरबियती अमल जो है ना शुरू हो जाना चाहिए, तो आप वहाँ जाके किसी गलती का शिकार ना हो। और वहाँ भी अगर कोई भाव आता है किसी चीज़ में तो उलमाए किराम मौजूद होते हैं, वहाँ पूछने में शर्म ना महसूस करें किसी किस्म की। और बहुत अच्छी बात जो कि भाई साहब ने कि बाजारों में जाएं और पता चले जनाब जो चीज़ें आपने खरीदी हर एक अब बाजारों की बात आ गई तो एक और जुमला कह दूँ वहाँ पर। अब ये है कि वहाँ पर चूँकि ये जो कमर्शियल जहनीत का बिजनेस माइंड और टूरिज्म की ये चीज़ें भी वहाँ डेवलप हो रही ना, अब बड़ी बड़ी जो मार्केटों वाले शॉपिंग मॉल्स उन्होंने एक सहूलत दी हुई टैक्सी वालों को कि हरम से फ्री में आप सवारी उठाएं, तो नमाजों के बाद वो टैक्सी वाले आवाज़ लगा रहे होते फलान मॉल 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 करके। अब हमारे हाजी हजरात ने ज़रूरी समझा हुआ जैसे हर मगरिब या इशा की नमाज के बाद एक दफ़ा जाना है, अब किराया चूंकि आपका पड़ता नहीं है, फ्री में ले जाते, फ्री में वापस पहुंचाते, वो मॉल वाले पैसे आपसे शॉपिंग में वसूल करके टैक्सी वाले को, वो अपनी तरफ से कोई सब्सिडी नहीं दे रहे होते। तो हमारे हाजी हजरात ने समझा कि चूँकि अब मुफ्त की बहुत अच्छी आपने तवज्जो दिलाई है भाई साहब, एक का जुमला कहना चाहिए, मैं बहुत जरूरी कहना चाहूँगा एक जुमला दूसरा एक जुमला मैं कहना चाहूँगा। मैं चूँकि पाकिस्तान के जो हजाज हैं सरकारी हों या प्राइवेट हों, मैं उनका नुमाइंदा हूँ बाकायदा, और मैं ये कहूँगा कि ये मिनिस्ट्री में आज भी मीटिंग थी, मैं इधर आ गया हूँ, हमारी ये ट्रेनिंग में चल रही है, वो बाकायदा पहले ट्रेनिंग कराते हैं मास्टर ट्रेनर को, और फिर वो हर हाजी वो खास जुमला जो कहना चाहते हैं, खास जुमला जो ये है मेरा कि तमाम हजाज कराम जो हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो हज का अगर उन्होंने इरादा किया है तो वो अपनी नियत को हज पे ही पाबंद रखें, बस किसी और तरफ ना लेके जाए, इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी के साथ वापस अपने घर में आप लौटेंगे जी। जी बहुत अच्छा जी। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और बहुत अच्छी बात किया भाई साहब ने कि वो जितने बड़े बड़े मॉल पर जाते हैं मौलाना ने फरमाया वो चीज़ें सब के पीछे मेड इन चाइना ही लिखा हुआ होता है, और वो आपको यहाँ से भी मिल जाती हैं। तो अकीदत अपनी जगह पर है कि हम इनको हरम शरीफ से ख़रीदा है या मदीना तैयबा से ख़रीदा है, लेकिन सारी चीज़ें अकीदत के साथ ही नहीं चलती हैं। असल चीज़ें वहाँ चलती हैं कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अतात की जाए और फरमाबरदारी की जाए, अल्लाह की बंदगी को लाजम रखा जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को लाजम रखा जाए, इसके बगैर फिर कोई दीन नहीं है, और इसके बगैर कोई इबादत नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों फाजिल मेहमानों का, हाजी मोहम्मद नसीर मुग़ल साहब का और मौलाना असलीमुल्लाह अब्दुल बाकी खान साहब का कि आप तशरीफ़ लाए, और आज का जो मौजू था हमारा सफ़र हज के मसाइल और उनका हल, इसके बारे में आपने बहुत ही मुफीद मालूमात हम तक पहुँचाई हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम हुजाज कराम के सफ़र में आसानियाँ पैदा करे, आमीन, और उनको ये पूरा शऊर और आगाही अता फरमाए कि हम जिस सफ़र पर निकले हैं ये बहुत ही अजीम सफ़र है और ये शायद ज़िंदगी में दोबारा नसीब हो या ना हो, लिहाजा इसको हमने कीमती बनाना है और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करके जाना है, और कोशिश करनी है कि हमारा हज अल्लाह के यहाँ हज मबरूक बन जाए, हमारी सही सही मशकूर बन जाए, और यकीनन जब ये नियत होगी इखलास के साथ ये काम करेंगे, मसाइल को सीख के जाएँगे, अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा करेगा और फिर अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और आखिरी बात यह है कि जो लोग वहाँ जा चुके हैं, जाना चाहते हैं, जाएँगे इंशाल्लाह, वो वहाँ जाकर वतन अज़ीज़ के लिए, इस्तेहकाम के लिए, अमन के लिए दुआएं ज़रूर मांगे। ये वतन है तो हम हैं, इसके मुहाफ़िज़ हैं तो वतन महफूज है, इसके मुहाफ़िज़ों पे कोई आँच आएगी तो वतन पे आ जाएगी, वतन पे आ जाएगी तो हम सब उसकी ज़द में आ जाएंगे। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। मियाँ सनाउल्लाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह।